नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है इंदौर के जाने माने डॉक्टर डॉक्टर रवि डोसी। डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत नमस्कार भैया। आज इस सर्द रात पे आपकी इस जोश भरी गर्मी गर्मी सा एहसास बहुत सुकून दे रहा है और दोबारा मुझे आपके कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये जोश और जुनून आपको देखकर है, जोश और जुनून आपकी अदाओं को देखकर है, आपने अपने आप को इन 2 सालों में जो बदला है और अभी जो बदलाव दिख रहा है, पिछले 2 इंटरव्यू मैंने किए तब से आप में जो 10 साल उम्र कम दिख रही है, तो कितना फर्क महसूस कर रहे हो आप ये ट्रीटमेंट लेने के बाद से? बहुत अच्छा लग रहा है और वजन कम करने से चुस्ती फुर्ती, अपने काम करने में ध्यान और अपने मरीजों की देखभाल और अच्छे से कर पा रहा हूँ। आई एम रियली हैप्पी। देखिए डॉक्टर साहब, जरूर ऐसा कह रहे हैं कि वजन कम करने के बाद मैं अपने पेशेंट का ध्यान काफी अच्छे से रख पा रहा हूँ, पर मुझे याद है वो समय जब डॉक्टर रवि डोसी खुद कोरोना पॉजिटिव हुए थे और उसके बाद ही वहीं हॉस्पिटल में रहने के साथ साथ पेशेंट पेशेंट का इलाज भी कर रहे थे, तो जोश और जुनून और जज्बा तो वैसा ही कायम है। बहरहाल, सूरत हाल क्या शहर का? एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे अधिकांश मरीज तो अभी भी ठीक हो जा रहे हैं होम आइसोलेशन से, पर पिछले हफ्ते भर से कुछ ऐसे पेशेंट भी आने लग गए हैं जिनमें पुरानी तरह सीटी में 20% 25% इन्वॉल्वमेंट आ रहा है और वापस से एडमिट करके ऑक्सीजन देने वाले केसेस की संख्या बढ़ रही है। क्या लगता है, वेरिएंट में कुछ बदलाव आया है? निश्चित रूप से अभी हाल फिलहाल में ही हमने अरविंदो में एक जो ओमाइक्रॉन का ही एक सब टाइप, एक सब वेरिएंट हमने इसमें आइडेंटिफाई किया है। करीबन 24 एक मरीज जिसमें उसके सैंपल पॉजिटिव आ रहे हैं, जिसमें 12 पेशेंट तो एडमिटेड हैं, 6 बच्चे हैं, 6 बड़े हैं, और इन 6 बड़ों में से 2 थोड़े से मतलब आईसीयू में भी हैं। फिर भी क्या लगता है, इस तरह की जो सिवियरिटी पहले हमने 2 दौर में देखी, वैसी स्थिति तो कम दिख रही है? नहीं, निश्चित रूप से सर, देखिए जो भी जल्दी आया है वो बचा है। ये सभी वो हैं जिनकी नौबत वहां तक इसलिए आई क्योंकि वो देर से आए, 6-8 दिनों तक उनका या न तो प्रॉपर ट्रीटमेंट रहा, न तो उन्होंने कोई चिकित्सकीय सलाह ली और आज वो इस स्थिति में है। उसमें जो देरी से आने की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा ये सभी वे मरीज है जिनको किडनी संबंधित डायलिसिस पे है, डायबिटीज कई वर्षों से और किसी कारण से कंट्रोल में नहीं है। इस प्रकार के मरीजों को ये लक्षण और ये वेरिएंट ज्यादा प्रभावित कर रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग जो हमारे यहाँ हो रही थी वो लगातार अभी चल रही है? जी, निश्चित रूप से चल रही है और ये जीनोम सीक्वेंसिंग का ही एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आज इंदौर भी इंडिया में एक सब टाइप ओमाइक्रॉन का निकाल पाया है। मतलब पहले तो ओमाइक्रॉन मिल जाना एक बड़ी बात और उसमें एक सब टाइप निकाल देना, ये वाकई में एक साइंस का अजूबा है सर, और हमारे मैनेजमेंट की मैं तारीफ करूंगा इसके लिए। सही बात है, इंदौर में जितना काम अगर निजी हॉस्पिटल के तौर पर डॉक्टर रवि डोसी जहाँ सेवाएं दे रहे हैं अरविंदो हॉस्पिटल में हुआ है, उतना काम कहीं भी नहीं हुआ। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी उपलब्धि इंदौर शहर के लिहाज से है। यहाँ पर जितने पेशेंट एडमिट हुए हैं, जितने पेशेंटों को यहाँ बचाया गया है, वो वाकई में प्रशंसनीय है, और विशेष तौर पर डॉक्टर रवि डोसी का योगदान भी उसमें काफी अहम रहा है। क्या लगता है डॉक्टर, अभी जो हालात चल रहे हैं, क्या ये पिक मान लें इसको, ये धीरे धीरे नीचे जाएगा या अभी पिक आना बाकी है? देखिए, मैं मानता हूँ सर, जैसे चुनावी विश्लेषण होता है वैसे ही ये पीक की जो बातें हैं ये कभी कभी बोलने में डर भी लगता है और आकलनबाजी कोविड में हमेशा फेल ही रही है। पीक आ गया है ये बोलने में डरता हूँ क्योंकि मैं तो एक प्रत्येक मरीज को जीरो जीरो संख्या बनी हुई देखना चाहता हूँ। केसेस बहुत आ रहे हैं, इसमें एक जो विशेष बात ध्यान देनी पड़ेगी कि केसेस का प्रेजेंटेशन का रूप भी थोड़ा बदल रहा है। तो पीक चाहे संख्या बल में अवश्य आ गया हो, पर यह बात भी बहुत जरूरी है कि अब होम टेस्टिंग काफी हो रही है, बहुत सारे लोग घरों पर ही टेस्ट कर ले रहे हैं और सीधे ट्रीटमेंट के लिए आ जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा तबका मरीजों का आप ऐसा भी है जो समझ गया है कि यार ये तो माइल्ड ही होता है, अपन तो दवा गोली ले लो, टेस्टिंग नहीं भी कराई तो भी चल जाएगा। तो कई कारण है सर, हो सकता है वास्तविक पीक आ गया हो, पर अभी ये जो ठंडी हवाएं वापस लौटी हैं आने वाले 10-15 दिन, तो मैं थोड़े सावधान रहने के लिए शहरवासियों को कहूंगा। डॉक्टर, जिस तरह से मुंबई और दिल्ली की बात करें, मुंबई में केसेस काफी कम हुए, तेजी से कम हुए, दिल्ली में भी केसेस कम हुए हैं, और अगर हम इस वेरिएंट की बात करें, साउथ अफ्रीका से जब ये शुरुआत हुई थी वहां भी जितना पीक आया तेजी से केसेस गिरे थे, तो क्या आने वाले समय में इंदौर में भी ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी?
निश्चित रूप से सर, देखिए आप अगर आप तो बहुत अच्छे रूप से न्यूज को विश्लेषित करते हैं, आप खुद देखते हैं कि इंदौर में जो भी घटित कार्यक्रम होता है वो बॉम्बे और दिल्ली से मुश्किल से हफ्ते भर पीछे का चलता है अपना हिसाब, चाहे मौसम में कहें चाहे बीमारी में कहें। मैं मानता हूं इस हफ्ते रिपब्लिक डे के बाद शायद एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पे केसेस की संख्या बहुत कम हो जाएगी, पर यही वो समय है जहां मैं वाकई में विनती करूंगा सबसे कि अभी हमें मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, वैक्सीनेशन जो जो हमें जिता रहा है इस बार की लड़ाई को, उसके ऊपर हमको हमारा तवज्जो और ध्यान बना के रखना चाहिए सर। अभी हमको हमारा गार्ड छोड़ना नहीं चाहिए। डॉक्टर, जो बूस्टर डोज लग रहा है उसको लेकर क्या कहते हैं? 100% बहुत इफेक्टिव है। आप तो जानती हैं कि आईएमए के माध्यम से हम तो अगस्त से डिमांड कर रहे हैं कि हमको बूस्टर लगाइए। अब जब ये भारत सरकार ने इतनी अच्छी पहल की है जिसमें प्रिकॉशन डोज, बूस्टर डोज, इन सभी का हेल्थ लाइन वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर को आउट ऑफ टर्न 9 महीने पहले भी वो सुविधा दी जा रही है कि आप वैक्सीनेट करवा सकते हैं। मैं मानता हूं कि इसी तरह के पहल जो लीक से हटके हैं इंडिया को वैक्सीनेशन में बहुत आगे खड़े करे हुए हैं, और इसीलिए हमारी मॉर्टेलिटी इस पीक में इतनी कम रही है। इसका बहुत बड़ा श्रेय वैक्सीनेशन को और अब बूस्टर डोज को जाएगा सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर रवि दोषी की जो वैक्सीनेशन, मास वैक्सीनेशन हमारे देश में हुआ है वो अगर नहीं होता तो निश्चित तौर पर कुछ स्थिति बहुत अलग होती। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में या फ्रांस में, यूरोप के कई देशों में हम हालात देख रहे हैं, रोज देखते हैं कि वहां बहुत बुरे हालत है आंकड़ों के लिहाज से भी। और लोग ये कहते हैं डॉक्टर कि वहाँ टेस्टिंग ज्यादा होती है, हमारे यहाँ टेस्टिंग ज्यादा नहीं होती है, लेकिन मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन ही बड़ा कारण है जिससे हम केसेस में कम करने में सफल हुए हैं। सर मैं आए दिन औसतन 30 से 50 मरीजों से मिलता हूँ, हमारे यहाँ टेस्टिंग बहुत होती है सर, चाहे वो गांव कह लें चाहे वो मतलब एक अपने इंदौर के अलग अलग हिस्से कह लें, टेस्टिंग काफी है, किसी भी तरह से हम कहीं पे भी पीछे नहीं है सर। श्रेय है वैक्सीनेशन को। आज मतलब अब वो मरीज ढूंढना पड़ते हैं कि आपको 2000 में कोई दो मिल जाएंगे जिन्होंने वैक्सीन का एक शॉट भी नहीं लिया होगा, और ये बहुत बड़ी बात है सर, बहुत काबिले तारीफ बात है। सर ये ओमिक्रॉन आया है उसके बाद आपने एक सब वेरिएंट उसका ढूंढ निकाला, बड़ी प्राउड का विषय है कि इंदौर ने इन सब चीजों को ईजाद किया है, इनके बारे में जानकारी हासिल की है। क्या लगता है आने वाले समय में हम कभी इससे मुक्त हो पाएंगे, ऐसे ही वेरिएंट चलते रहेंगे? सर मेरा मानना है कि हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। कफ एटिकेट जो एक खांसते टाइम छींकते टाइम नाक के ऊपर मुंह के ऊपर रुमाल रखना, कहीं ना कहीं हम इस चीज को भूल गए थे, हम उस चीज को वापस अपनाना पड़ेगा। देखिए सर आप मानेंगे नहीं, आज भी आप निकल जाइए सर सड़क पे, मास्क हटा के भी आदमी पीक थूकता है। देखिए कहीं ना कहीं मास्क पहन रखा है पर वो थूकने की आदत नहीं गई है सर। कहीं ना कहीं एक जब तक एक मूल अंतर और मूल सुधार अपने व्यवहार में हम नहीं लाएंगे, ऐसी बीमारियां नाम बदल बदल के, समय बदल बदल के आती ही रहेंगी। इसलिए हम न भूलें कि हम टीबी की कैपिटल है इस दुनिया की। हम ये न भूलें कि आज से 5 साल पहले स्वाइन फ्लू ने भी उतना ही कहर मचाया था जितना पिछले 3 साल से, 2 साल से कोविड बचा रहा है। तो कहीं ना कहीं कफ एटिक्वेट को, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इन चीजों को अगर हम हमारे व्यवहार में लाएंगे, वो उसको भी हम हमारे भारतीयता का हिस्सा बनाएंगे, तब जाके हमारी पूर्ण विजय होगी सर। तब तक के लिए शायद इन बीमारियों को अपने जीवन का अब एक हिस्सा मान के जीना पड़े। अगर सरल शब्दों में हम कहें तो हमें आने वाले समय में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, इनके साथ जीना सीखना होगा जब तक कि बीमारियां पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती है। क्या लग रहा है सर आने वाले समय में इसके और वेरिएंट भी अपना स्वरूप लेकर आते रहेंगे, जैसा आपने कहा कि इसके साथ जीना सीखना होगा? सर बिल्कुल आएंगे। देखिए विश्व मीडिया की आप कोई भी वेबसाइट खोल लीजिए, आप कोई भी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर खोल लीजिए, डेली पर डे अलग अलग देशों के अलग अलग लैब्स किसी न प्रकार किसी प्रकार के वेरिएंट या कोरोना के बिहेवियर में एक डिफरेंस देख रही हैं। तो ये तो अवश्य आएगा ही आएगा, बट जो चीज पिछले 2 साल से आपके पिछले 11 कार्यक्रमों में हम सिद्ध कर चुके हैं कि मास्क पहनना, डिस्टेंसिंग रखना, हाथ और मुंह को नॉर्मल पानी साबुन से धोना, वैक्सीन लगवाना, इन चीजों ने ये समय के साथ साइंटिफिकली प्रूव किया है कि हम कोई भी वेरिएंट आए, कोई भी वायरस आए, उसको इफेक्टिवली हरा सकते हैं। डॉक्टर जिस तरह से हम देखते हैं कि लोगों ने मास्क का उपयोग काफी अच्छे ढंग से किया है,
वैक्सीनेशन हुआ है, क्या यही बड़े कारण है जिसकी वजह से हम काफी कुछ सेफ हैं? हम काफी सेफ हैं डेफिनेटली, और उसके पीछे बहुत बड़ी है मास्क साक्षरता और वैक्सीनेशन के प्रति जो हमारी जागरूकता है उसका एक बहुत बड़ा श्रेय उसको जाता है। बट मेरा टारगेट है जब जीरो केस पे आए अपन, और उसके लिए इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को हर स्तर पे बहुत मजबूत करना पड़ेगा, और उसके लिए सही न्यूज पहुंचाना, इस जागरूकता को और पहचान और फैलाना बहुत जरूरी है। अब आप मानेंगे नहीं, कई मतलब कई घर ऐसे भी मिलते हैं जहां पे लोग घरों में भी मास्क पहन रहे हैं, हमारे इंदौर में भी इतने जागरूक हैं वो, और कई घर हमको ऐसे भी मिल रहे हैं जहां पे सब पॉजिटिव हैं तो वो बाहर दूध भी लेने जाते हैं तो भी उन्होंने मास्क लगाना छोड़ दिया कि अरे हमारे घर में तो सब पॉजिटिव है। तो ये एक बहुत बड़ी गैप देखने को मिलती है, जहां पे ये गैप कॉमन सेंस के द्वारा ब्रिज हो जाएगी, मैं समझता हूँ कि हम और बेहतर स्थिति में आएंगे। अभी जो वेरिएंट चल रहा है, जो दौर चल रहा है, जिस तरह से लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, देखने में ये आता है कि ज्यादातर लोग, जैसा आपने भी कहा कि घर पर टेस्टिंग कर रहे हैं, घर पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, थोड़ी सी लापरवाही ज्यादा कर रहे हैं, सामान्य सर्दी खांसी मानकर इसके ठीक होने का इंतजार करते हैं। नहीं देखिए, एक एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है और आदमी डरता भी है लेबल होने से, तो अरे कोविड पॉजिटिव उस घर में कोविड पॉजिटिव है, वहां उस फ्लैट में कोई कोविड पॉजिटिव रहता है। देखिए सर, इस डर को कभी हम नहीं निकाल सकते, और आप मानेंगे तो सही कि लेबलिंग से व्यक्ति डरता है और रूटीन सर्दी खांसी तो कोई माइंड नहीं करता है, यही इस बीमारी की खूबी भी है और यही इस बीमारी का सबसे बड़ा विडंबना भी है कि शुरुआती लक्षण 98% लोग में सर्दी खांसी ही होते हैं, पर वो जो 2% जिसमें ये बिगड़ती है, अगर लोग ये समझ जाए कि यार अगर एक दो दिन में आपकी सर्दी खांसी ठीक नहीं हो रही है तो फिर डेफिनेटली आप संभल जाइए, टेस्ट कराइए या एटलीस्ट किसी डॉक्टर को तो दिखा दीजिए। इस वेरियंट में चूंकि मॉर्टेलिटी रेट है नहीं के बराबर है, तो थोड़े से लोग ज्यादा लापरवाह है, ऐसा लगता है कि लोग बीमारी से लड़ने से नहीं घबराते, बाकी मरने से घबराते हैं। देखिए सर, मौत का डर तो सबसे बड़ा डर रहता है, और जब से लोगों को पता चला है कि एक लाइट है, हल्का इन्फेक्शन है, तो ये एक भ्रांति है, पहले तो मैं ये बता दूं। आपको मैं एक न्यूज आइटम शेयर करूंगा यूरोप और अमेरिका का, जहां पे कई देशों में ओमाइक्रॉन पार्टीज तक लोगों ने रखना चालू कर दी थी, बट WHO ने और हमारे भारत के ICMR ने भी क्लियरली बोला था कि आप इस वेरियंट को सामान्य मत नहीं मानिए, लॉन्ग कोविड, यानी कि हमें आज नहीं पता कि ओमाइक्रॉन हमारे शरीर में आज से 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद क्या कर सकता है, और ये बिल्कुल रूटीन सर्दी खांसी नहीं है। जब केस बिगड़ते हैं तो उनकी तीव्रता बहुत ज्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन पर भी लोग सांस नहीं ले पाते हैं। तो मैं तो सभी को ये बोलना चाहूंगा कि सावधानी बरतिए, ओमाइक्रॉन हल्का है, ये हमारा सौभाग्य है। आप ये सोचिए कि अगर जरा सा म्यूटेशन उस तरफ होता कि ऐसा कोई वायरस जो इतना संक्रामक है और साथ में गंभीर भी होता, तो आज हम कहां खड़े होते। सही बात है, बहुत सारी अच्छी जानकारियां दी, और गंभीर विषय भी, गंभीर बात भी निकल कर आई है कि आप ओमाइक्रॉन को बहुत हल्के में नहीं लें। अगर आपको सर्दी खांसी के लक्षण हैं, 2 दिन में ठीक नहीं हो रही है, तो डॉक्टर को दिखाएं, दवाइयां लें, घर पर ठीक हो जाएंगे ऐसा सोचकर काम नहीं करें। फिलहाल डॉक्टर डोसी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, सुनील जोशी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।